मैं मार्केट गई थी ना, तो ये मार्केट में इतने बढ़िया निमोने आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि आज चलो इसी की सब्जी बनाते हैं। जैसे इसकी सब्जी बहुत टेस्टी भी बनती है और कई तरह से बनती है। मैं बनाऊंगी सब्जी एक अलग तरीके से, वो खाने में इतनी टेस्टी बनती है और जल्दी से बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता। बस जो टाइम लगेगा ना इसको छीलने में लगता है, कि उसको छीलना एक बहुत बड़ा टफ काम है। जितनी ये छिल जाएंगे ना, उसके बाद टाइम पता भी नहीं चलेगा कब हमारी सब्जी बन के तैयार होगी। और इसकी किस रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें। ये निमोने हमारे छिल चुकी हैं, बस इनको छीलने में तो भैया बहुत ही टाइम जाता है, पर ये सब्जी इसकी इतनी टेस्टी बनती है ना कि बस मजा ही आ जाना। ये निमोने पूरे छिल गए हैं, देखिए एकदम फ्रेश। वैसे तो पैकेट वाले आते हैं उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी इसकी बनती है जो छील के बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सब्जी किस तरह से बनती है, इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये पैन रख दिया, इसमें पानी हो गया बॉईल, सॉरी पैन चढ़ा दिया, इसमें डाल दिया पानी, पानी हो गया है बॉईल हल्का सा। अब इसमें हम ये निम्बोने डाल देंगे। और इसको आधा हम पकाएंगे, पूरा फुल तरह से नहीं पकाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, आधा कच्चा रहना चाहिए उतना हम इसको पकाएंगे। चने को चेक कर लेते हैं, ये आधे पक चुके हैं और आधे कच्चे हैं अभी, अब इनको हम निकाल लेते हैं। इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दें। और थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। ये चने अब ठंडे हो गए हैं थोड़े, अब इसको हम मिक्सी में, इनको ज्यादा नहीं पीसना है, एकदम से हल्का सा हम मिक्सी में घुमाएंगे, हल्का सा ग्राइंड करेंगे, बस एक या दो, ज्यादा नहीं करना है, फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, ये एकदम से फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इसीलिए इसको फुल तरह से नहीं पकाना है। अगर पूरी तरह से पक जाएगा ना तो एकदम पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल। हमें इसको दरदरा चाहिए, काफी दर जाएगी, हल्का सा बस मिक्सर में डाल के एक या दो बार घुमाना है, बस घुमा के यू बटन और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बस आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग इसमें ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी, हल्दी को भून जाने देंगे। उसके बाद हम ये डालेंगे निमोने जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, इस तरह से इसमें ऐड करते हैं, इसको हल्का सा पकाएंगे। ठीक है, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे दो बॉइल्ड आलू। ये मैंने दो आलू को बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया है। ओके, अब इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी ये सब्जी बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी कि बस पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है। और ये सब्जी मैं जो बना रही हूं ना, ये बना रही हूं दही के निमोने,
जो मैंने अभी तक नहीं बताया था कि मैं इसमें आखिर ऐड क्या कर रही हूँ, किस तरह से बना रही हूँ। ये निमोने बन रहे हैं दही के। अब इसमें मैं ये आलू को ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे ये फेटा हुआ दही। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, क्योंकि जब हमारी सब्जी पक जाएगी ना अच्छे से, तो बस ये जितनी गाढ़ी अभी है ना इस तरह से होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड करूंगी अभी, बस इतना ही। ये दही के निमोने ज्यादातर ना गांव में बनाए जाते हैं। और ये सब्जी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। आप इस सब्जी को रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अमेजिंग लगती है। और चावलों के साथ भी खा सकते हैं, जिससे आपका मन करे। इसको जब तक चलाना है जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। जब उबाल आ जाएगा ना तब हम बाकी के मसाले डालेंगे इसमें। तब तक हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। और मैंने हल्दी डाली थी स्टार्टिंग में, कसूरी मेथी, थोड़ा सा जीरा और हींग डाली थी, और कोई मसाला ऐड नहीं किया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। और वैसे भी इस सब्जी में ज्यादा मसालों का उपयोग नहीं होता है, बस जो बेसिक मसाले होते हैं ना उन्हीं का उपयोग होता है, डाले जाते हैं। जब तक ये उबाल नहीं आया तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। लीजिए इसमें उबाल आ गया, इस तरह से हो जाएगी उसके बाद सब्जी दिखेगी। हम इसमें ऐड करते हैं मसाले। 2 चम्मच हरी मिर्च डालूंगी मैं, ऊपर से ऐड कर रही हूँ सब्जी का खोल आने के बाद। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गैस को कर देंगे लो टू मीडियम। इसको रखेंगे पकने के लिए कम से कम 15 मिनट तक। हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे, क्योंकि जितने अच्छे से ये सब्जी पकेगी ना उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो कम से कम धीमी आंच में 15 मिनट तक इस सब्जी को हम पकाएंगे। सब्जी हमारी लगभग बन चुकी है, ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़ी सी ही डालना। और 1 चुटकी हींग। बस 1 चुटकी डालना, ये लीजिए। और हम लगाएंगे अब इसमें तड़का। सब्जी में कर देंगे साथ ही डालेंगे धनिया। जब हींग का ऊपर से ये छौंक लगाया ना, तड़का लगाते हैं ना, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये लीजिए तैयार है हमारे दही के निमोने, तैयार है हमारी सब्जी दही के निमोने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।